सीखेंगे कि हम आर्डिनो की मदद से एलईडी को कैसे ब्लिंक करा सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा? एक आर्डिनो, एक ब्रेडबोर्ड, एक यूएसबी केबल, एक रजिस्टर, कुछ जम्पर केबल्स और एक एलईडी। चलिए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एलईडी लेते हैं। इसमें दो वायर होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी वाली नेगेटिव होती है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से डाल देते हैं ब्रेडबोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब जम्पर केबल्स डालेंगे हम। एक जम्पर केबल डालने पहले जो पॉजिटिव वाले वायर है वहाँ से एक रजिस्टर लगा लेंगे, ताकि जो भी 5 वोल्ट का करंट है उसकी सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि एलईडी को इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। एक रजिस्टर हमने लगा दिए। ये हो गया। उसके बाद हम जो रजिस्टर लगाया वहाँ से एक वायर लगाएंगे, 8 नंबर पिन पर लगाएंगे। 8 नंबर पिन पर हमें लगा दी, ठीक है। उसके बाद एक और वायर लेंगे, नेगेटिव वाले से लगाएंगे। और ये कहाँ लगाएंगे? लगाएंगे हम ग्राउंड पिन पर। सारी हमारे वायर कनेक्शन पूरी हो गई हैं, वायर की कनेक्शन सारी हो गई हमारी। अब हम कोड के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे INT मतलब इंटीजर LED, LED लगाइए इज इक्वल्स टू 8। 8 का क्या मतलब है? हम जो भी पिन भी लगाए, अगर आपने 9 पे लगाई तो 9 लिखेंगे, 10 पे लगाए 10, 0 से लेकर 13 पर आपने कहीं पे भी लगाई अगर वो पॉजिटिव वाली पिन, तो वहाँ पे वो वाला नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड सेटअप जो पहले से लिखा होता है। पिन मोड, कौन सी पिन हमने लगाए रखी, पिन में कौन सी लगा रखी, वो हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे। पिन मोड LED मतलब अब यहाँ पे LED ने लिखे, डायरेक्ट लिखते 8 तब भी यहाँ पे ठीक होता। आउटपुट, या आउटपुट LED को आउटपुट जाना है, करंट का आउटपुट जाना है, इसलिए आउटपुट लिखा है। जो लिखना है आउटपुट जो लिखना है ये कैपिटल में होना चाहिए आपको। इतना कंप्लीट हो गया। फिर आपको वॉइड लूप पर आना है। वॉइड लूप में डिजिटल राइट लिखना है LED। LED हम जहाँ से लिख रहे हैं उसका मतलब है 8, ठीक है। 8 भी लिख सकते हैं, LED भी राइट लिख सकते हैं। हाई का क्या मतलब है? इसको ऑन करना है। LED को ऑन करने के लिए हमने हाई लिखा है। अभी डीले का क्या मतलब है? यहाँ पे डीले का मतलब है कितनी देर तक हमें ऑन रखनी है LED को। 500 सेकंड मतलब आधे सेकंड के लिए, इसको मिली सेकंड में लिखना पड़ता है। 1 सेकंड के लिए हमें लिखना होता है 1000, तो आधे सेकंड के लिए हमें लिखना पड़ेगा 500, हो गया। उसके बाद है डिजिटल राइट, फिर से हमने लिखा, क्योंकि हमें बंद भी करनी है LED। तो LED यहाँ पे 8 वाले पिन पर है। फिर लो का मतलब यहाँ पे हो गया कि उसको ऑफ करनी है हमें, इसको भी हमें कैपिटल में लिखना है पूरा। उसके बाद हमें लिखना है कि डिले मतलब कितने सेकंड के लिए हमें इसको बंद रखना है, तो हमें इसको आधे सेकंड के लिए बंद रखना है। अभी जो भी टाइम है इसको, ये टाइम हो गया, उसके बाद ये टाइम हो गया, हम इसको हमें मिली सेकंड में रखना है, क्योंकि मिली सेकंड में रखा जाता है, सेकंड में टाइम नहीं रखा जाता। अभी इतना ही कोड है हमारे पास, ये कोड हो गया हमारा। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा कोड ठीक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, कि कम्प्लीकेशन कम्प्लीट, मतलब हमारी कंपाइलेशन कम्प्लीट हो गई, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम USB केबल से आर्डिनो को कनेक्ट कर देंगे। पहले लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। लैपटॉप से कनेक्ट होगी, फिर हम यहाँ से पोर्ट में लगा लेंगे। पोर्ट में लगा ली। अब यहाँ पे उसके बाद हम वेरीफाई पर जाएंगे, ये अपलोड में जाएंगे। अपलोड हमने दबा दिया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, या अपलोड कंप्लीट भी हो गया। अब हम देखते हैं हमारी LED कैसे ग्लो कर रही है। आधे सेकंड के लिए ग्लो कर रही है, आधे सेकंड के लिए स्टॉप हो रही है। अब हम फिर से अगर हमने कोड पे जाएं, हम इसको 500 सेकंड ना रखिए, इसको अगर हम 2000 कर लेते हैं, 2000 मतलब क्या हो गया, 2 सेकंड के लिए इसको कर लेते हैं, 2000 मतलब 2 सेकंड हो गया। उसके बाद नीचे भी हम डीले का 500 मतलब आधे सेकंड के लिए रखते हैं इसको। अब क्या होगा अगर इसको अपलोड करके देखते हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है और अपलोड भी हो गए। अब देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। देखिए 2 सेकंड के लिए जल रही है, आधे सेकंड के लिए जल रही है, बंद हो रही है, 2 सेकंड के लिए जलेगी, फिर आधे सेकंड के लिए बंद होगी। अगर हम इसको फिर से, हम इसमें कोड में अगर चेंज करें,
हम यहाँ पे 2000 रखे, अगर 300 रखें तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी जलेगी, आधे सेकंड से भी कम है, 300 सेकंड के लिए जलेगी और 300 मिली सेकंड के लिए बंद हो जाएगी। अपलोड करते हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई है, अपलोड भी कंप्लीट हो गई, देखते हैं प्रोजेक्ट कैसा रन कर रहा है। देखिए आधे सेकंड 300 मिली सेकंड के लिए जल रही है, 300 मिली सेकंड के लिए बंद हो रही है, तो हमारा प्रोजेक्ट एकदम सही से वर्क कर रहा है। तो आप भी अगर इसी वगैरह से अगर कनेक्शन करते हैं, इसी तरह से अगर करते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रन करेगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।